दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में जो विधि प्रावधान है उनके संबंध में बताया गया। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनकी तलाश कैसे करनी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनकी तलाश क्यों किया जाता है? क्योंकि विवेचना में विवेचक का मुख्य उद्देश्य अपराध में वांछित लिप्त अपराधी का पता लगाकर गिरफ्तार करना होता है। विवेचक को मिलने वाली विवेचनाओं में कई प्रकार के अपराधी गिरफ्तार होते हैं। कुछ अपराधी अपराधों में नामित होते हैं, कुछ अपराधी अज्ञात होते हैं और कुछ अपराधी संदिग्ध होते हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए विवेचक को कई प्रकार के प्रयास व निगरानी का प्रयोग करना पड़ता है और तब अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता मिल पाती है। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। इस प्रकार के उन अपराधियों की गिरफ्तारी करना जिनकी नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाई गई है। इस प्रकार के नाम इस अपराधियों को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार करना आसान है। इनको गिरफ्तार करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करनी पड़ती है। अभियुक्त के घरों पर कई बार दिन रात में उन्हें तलाश करना होता है। अभियुक्तों को उनके रिश्तेदारों के घरों पर तलाश करना होता है। अभियुक्तों को उनके मित्रों व आसरा देने वालों के घरों पर तलाश करना होता है। अभियुक्तों की तलाश में उन स्थानों पर गोपनीय रूप से निगरानी करनी पड़ती है। अखबार व टेलीविजन पर नामित अभियुक्तों के फोटो प्रसारित करवाकर उनके कहीं होने के स्थान की सूचना प्राप्त करनी होती है। धारा 82-83 CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करनी पड़ सकती है। नामित अपराधियों का पता लगाकर गिरफ्तार करने के लिए मुखबिरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उन अपराधियों को गिरफ्तार करना जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात दिखाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी कैसे की जाए? अज्ञात अभियुक्त का पता लगाने व गिरफ्तारी के संबंध में निम्न कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी प्रकार के अपराध में पूर्व में प्रकाश में आए अभियुक्तों से पूछताछ करना, उनके घरों की तलाशी लेना, यदि पूछताछ और तलाशी से कुछ न मिले तो कुछ दिन तक उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखना, यदि किसी शहर में दिन में बैंक डकैती, अपहरण या हत्या जैसे गंभीर अपराध करके अपराधी भाग गए हैं और उनके पास कोई वाहन है तो मौके पर उनके हुलिये व गाड़ी की जानकारी करके शहर की नाकाबंदी करके चेकिंग कराई जाए। सीमावर्ती थानों को भी अपराध व अपराधियों की सही व अस्पष्ट सूचना देकर चेकिंग कराने को कहा जाए। शहर में निम्नलिखित स्थानों पर अभियुक्तों की तलाश में पुलिस पार्टियां भेजी जाएं, क्योंकि अपराधीगण इन जगहों पर अपराध करने के बाद रुक सकते हैं, जैसे होटल, धर्मशाला, निजी गेस्ट हाउस, मंदिर व गुरुद्वारा, अन्य कोई सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, स्टेडियम, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कराई जाए, निगरानी रखी जाए, क्योंकि अपराधी एक दो दिन के बाद भी अपने ठहरने के स्थान से निकलकर बाहर जाने के लिए इन जगहों पर आ सकते हैं। यदि अभियुक्तों के किसी मोहल्ले में छिपे होने की सूचना मिलती है तो उस मोहल्ले के आने जाने वाले रास्तों का नाकाबंदी कराकर मोहल्ले के अंदर संभावित घरों में उनकी तलाश की जाए। यदि अभियुक्तों के किसी मकान में छिपे होने की सूचना मिलती है तो मकान की घेराबंदी करके निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए। अपराधियों को आत्मसमर्पण करने को कहा जाए। यदि आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो अश्रुगैस का प्रयोग किया जाए। यदि अभियुक्त गोली चलाते हैं तो छत काटकर या दीवार तोड़कर कमरे में घुसकर गन प्रयोग करके उन्हें जीवित पकड़ा जाए या मुठभेड़ में मार गिराया जाए। अज्ञात अपराधियों का पता लगाने के लिए मुखबिर भी नियुक्त किए जा सकते हैं और उनकी सूचना पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा सकता है। संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर कुछ अपराध विवेचक को विवेचना के लिए ऐसे ही मिलते हैं जिनमें अपराधी संदिग्ध दिखाए जाते हैं या विवेचना के मध्य उन पर संदेह होता है। ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी से पूर्व उनकी निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निगरानी करने पर या तो वह अपराधी पकड़ा जाएगा या यह मालूम हो जाएगा कि वह अपराधी नहीं है। इनको निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे यदि किसी शहर में गृह भेदन, बलात्कार, हत्या का अपराध बार बार हो रहा है तो संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी से पता चल सकता है कि वह वास्तव में अपराधी है या नहीं।
यदि किसी संदिग्ध की निगरानी के दौरान ज्ञात होता है कि वह कुछ ऐसे वस्तुएं खरीद रहा है जो उसकी हैसियत से बाहर की है या वह कहीं जाने की तैयारी कर रहा है तो उसे पकड़कर उससे पूछताछ की जाए तो सफलता मिल सकती है। संदिग्ध व्यक्ति के मोबाइल फोन को सुनने की अनुमति प्राप्त करके उसके वार्तालाप को सुनकर भी उसकी अपराध में संलिप्तता को जाना जा सकता है। यदि संदिग्ध का पता नहीं चल रहा है तो पूर्व में घटित उसी प्रकार के अपराधों के आधार पर निम्नलिखित सूचना एकत्र करके उसी प्रकार के स्थान व समय पर उसी प्रकार के व्यक्ति की निगरानी की जाए तो सफलता मिल सकती है। घटनाओं का समय क्या था, घटनाओं का दिन क्या था, घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति कौन था, पीड़ित व्यक्तियों के कथन अनुसार किस आयु का था। धन्यवाद दोस्तों।